समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जौली। रुख करेंगे ललितपुर की कुछ खास खबरों पर। जनपद ललितपुर के कस्बा मुख्यालय मड़ावरा के मोहल्ला मास्टर कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मड़ावरा थाना पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंप कर बताया है कि उसका बच्चा एक प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत है, जहां स्कूली अध्यापकों ने उसके बच्चे के साथ मारपीट की है। जब इस बात का उल्हाना विद्यालय के प्रबंधक को फोन करके दिया गया तो प्रबंधक द्वारा धमकीले अंदाज में कहा गया कि अपने बच्चे का नाम कटवाकर घर बैठा लो। रोहित सोनी पुत्र पूरनलाल सोनी ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप कर बताया है कि उसका 5 वर्षीय बालक कृष्णा सोनी कस्बे के एक प्राइवेट विद्यालय में कक्षा 1 में अध्ययनरत है, जहां होमवर्क न कर पाने की वजह से विद्यालय के टीचर द्वारा उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी गई। मारपीट इतने बुरी तरीके से की गई कि बच्चे के हाथ पर गहरे चोट के निशान बन गए। बच्चा जब रोता हुआ घर पहुंचा तो बाप ने चोट के निशान देखे और उस स्कूल के प्रबंधक से फोन कर शिकायत की। इस पर विद्यालय के प्रबंधक भड़क गए और धमकी भरे अंदाज में बोले कि अपने बच्चे का नाम कटवा लो और घर बैठा लो। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? हमारा नाम सीमा श्रीवास्तव, बहादुरपुर के रहने वाले हैं। जी बताएं। और मैंने अपनी एक बच्ची 2 बच्चे पढ़ाए थे और बच्ची का नाम आस्था और रुद्र और शिव नाम था बच्चे का। उन लोगों ने 4 साल से मैंने पढ़ाया और फीस भी बराबर दी, उन लोगों ने मेरी मार्कशीट नहीं दी, उन लोगों ने झगड़ा की मेरे से। तो अभी जो कह रहे थे कि नाम कटवा लो, नहीं पढ़ाना है, नहीं। वो गांव पहुंचते थे फीस लेने के लिए तो मैं गांव से इधर आती थी फीस भरने के लिए। और विद्यालय का नाम क्या है? बेलोसिटी। अभी जो बच्चे के लिए मारपीट की गई है अध्यापकों द्वारा, इस विषय में आपका क्या कहना? वो बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं, कुर्ता बांटते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है ढंग से और ना कुछ आता जाता है, और सब स्टाफ के बैठ के और हंसी मजाक करते रहते हैं, ना बच्चों को गौर करते हैं ना पढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, क्या आप क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मतलब अभी घर पे आया तो हमको पहले तो पता नहीं था। एक लड़का बोल रहा हुआ कि जूता सूंघ लो, जूता सूंघ लीजिए सीधे से हैं, जूता सूंघ लीजिए। फिर हम तुरंत गए मैम के पास, मैम से बोले हम कि जे मतलब हम अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं बच्चे को स्कूल, गंदी आदत कुछ भी तो भेजते नहीं। कोई दिन कोई लड़का गला पकड़ रहा है, कोई दिन कोई लड़का जूता सूंघवा रहा है, जी कौन सी आदत है, आप लोग क्या करते देखते नहीं है। तो बस सर बोल रहे हैं, सर कह रहे हैं आपको इतनी वो है प्रॉब्लम है तो आप नाम कटवा दीजिए और घर पर बैठा लिए लड़के को, बस इतनी बात थी। और हम घर पर लेके बच्चे को घर पे देखे कपड़े उतारे उसके, तो देखेगी मतलब हाथ में इतनी ज्यादा लगी है, बस फिर तुरंत इनसे फोन लगवाए। तो मतलब सर यही बोल रहा है कि आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप नाम कटवा के घर पे बैठा लो। आपके ये बच्चे को मारा किसने? सेवानी मैम है, सेवानी सोनी। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे? वेलोसिटी में पढ़ाती है। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा।